एक बार कितनी अच्छी बात गांव का इतिहास भाई सबका नाम इसमें समेटने की कोशिश करी और इसके भाई लिखने वाले राइटर थे बुलेट पहलवान भाई बुलेट पहलवान धन्यवाद आपका क्योंकि भाई वोटों का खेल है ये वोट के बगैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे बनेंगे है ना वोट का खेल तो वो फैसला आज से ही कर लो यही आपसे निवेदन था आगे कार्यक्रम में क्योंकि प्यार में घुमा के कार्यक्रम बनाया है अगले बाट देख रहे हैं किसने सीधा हाँ धनाल सुरज सिंह आपके प्रधान एसडीओ भूप सिंह जी एक लाइन में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें ताली बजाओ एक बार जोर दो बहुत ही आदरणीय हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी सलाहकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण इलाके के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों साथियों नौजवानों प्यारे बच्चों माताओं बहनों सबसे पहले हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कि हमारे गांव में पहलवानों का हौसला अफजाई करने के लिए इन्होंने टाइम दिया मैं इनका बहुत ही इलाके से धन्यवाद करता हूं इनका शुक्रिया करता हूं अपनी खाप की तरफ से इलाके की तरफ से के हुड्डा साहब ने जो बहुत ही टाइम दिया और अब जैसा कि हमारे एमपी साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया मुझे एक बात याद आया कि टाइम इनके पास थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा एक दफ़ा ये इसी स्कूल के लिए जो कि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब के टाइम में पढ़ा हम वहाँ दिल्ली पहुँच गए मैंने एमपी साहब का नाम लिख रखी तीन चार दफा एमपी साहब के पास गए थे मैंने लिख दिया उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी रोहतक अब वो एमपी साहब उस दिन भाई चांस थे वो ना हुड्डा साहब मुख्यमंत्री जी आगे खड़े मुन्ने इनको दरखास्त दे लो जी हुड्डा साहब बोले ये तो एमपी साहब का नाम है मैं बोला जी कोई बात ना एमपी साहब ना से तो एमपी साहब के बाबू दे सो आप वो फादर खुदे भी ना गई ना पिताजी वो देसी भाषा लगनी आप ना जो उनके एम पी साहब के बाबू सो अर्थात जो एम पी साहब नहीं आन पाए आप आगे इस गांव और इलाके की तरफ से मैं फिर आपका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूँ स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ जय हमारे प्रधान जी प्रोफेसर रविंद्र जी देवेंद्र जी बुलट जी पहलवान साहब सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों मेरी माता और बहनों सबसे पहले तो मैं इन तीनों पहलवानों को हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनने केवल मांडोठी का नाम नहीं पूरे हरियाणा का नाम ऊंचा किया इस बात के लिए मैं तो कहना आसान है मेडल लेना मुश्किल है तीन खिलाड़ी पांच मेडल एक गांव से कोई छोटी बात नहीं भाई बहुत खुशी की बात है और जो प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी ने बताया भाई ये तो खेल नीति की बात है ये देवेंद्र बता रहा था 2010 कॉमनवेल्थ की बात 2010 कॉमनवेल्थ के जब नतीजे आए तो हरियाणा का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में गया क्योंकि जितने में हैं 77 देशों में सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं मतलब अगर देखा जाए तो पाँचवें नंबर के हरियाणा के थे पूरे देश से भी ज़्यादा अकेले हरियाणा के मेडल थे हर खेल में कोई छोटी बात नहीं तो भाई एक तो उन खिलाड़ियों की मेहनत उनकी लगन पहलवान साथियों के जो मेहनत से बनता है कितनी सुविधाएं दे लो आप अगर खिलाड़ी मेहनत नहीं करेगा तो आगे कामयाब नहीं हो सकता तो असली जो है जो बधाई के पात्र हैं हमारे खिलाड़ी हैं और भाई मेरा तो जब हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम होता है ना मेरा तो सीना इतना चौड़ा हो जाए बहुत हरा भी होना चाहिए हरा भी होना चाहिए थोड़ी बात बाकी रही यहाँ के कार्यक्रम की बात देखो आज तो मेरा सांपले का था मेरे को कहा भाई वहाँ जरूर आना एम पी साहब नहीं आ सकते आज तो मैं हाजिरी लगाना आया हूँ पाँच मिनट बात करूँगा लेकिन मांडोठी गांव से मैं आभारी हूँ मांडोठी गांव का इतना प्यार मिला हमारे परिवार को आज से नहीं करते थे तो इतना प्यार मिला है
भाई इनका मत तो फिर कदे दिन में आऊंगा पूरा समय लेके सारी खुल के बात कराएंगे। नंबर तीन, राजनीतिक जहां तक बात है, बहुत सारे साथी कहते हैं अब वही का फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैंने फैसला किया था इस चुनाव के बाद कि 6 महीने तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जब मजबूर हुआ, जब किसान पिटा, उसका धान पिटा, उसकी कपास पिटी, उसका पॉपुलर पिटा, आलू पिटा, गेहूं बोने की बारी आई, जब किसान खुद पिटा, थाने में खाद बटा, और फिर जब मेहनत करके फिर कुदरत ने मारी मार, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि 100 साल के बाद इतनी हुई। अच्छा, मेहनत करके किसान मंडी में गेहूं लेके गया तो भाई कोई खरीददार नहीं पाया, एफसीआई आई नहीं थी। उस समय मैंने मजबूर होकर कहा भाई अब बर्दाश्त नहीं होगी, उस टाइम आवाज उठाई। हर वर्ग किसान है, जो हमने गरीब आदमी के लिए स्कीम बनाई थी 100 गज की प्लॉट की, वो उड़े ठप कर दी। जो गरीब आदमी के मकान के लिए बनाई थी, वो उड़े ठप कर दी। किसान के लिए पॉलिसी बनाई थी, वो कर दी। खिलाड़ियों के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है, तब ऐसे एशिया का इनाम नहीं दिया, कितने दिनों का ही नाम तो देना पड़ेगा। आज बेहतर होता कि ये पुलिस मेडल लेके आए हैं और एक भाई एशिया में लेके आया है, तो अगर और भी आप में एक दो खिलाड़ी आए हैं, सत्यवान आया है, एक और भी आया है, उनको सबसे पूरा स्टेट जो है सम्मानित करती और पूरा इनाम देती तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं भाई, इनकी बात है, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, या तो इनामित करो या करो भाई तुमने मौका दिया, कभी मारा दाव ला गया तो हम करते हैं, चिंता न करें, सारी कसर पूरी कर देंगे। देखो मैं तो संतुष्ट आदमी हूँ, कोई मुख्यमंत्री तो तुमने बहुत रख लिया, मैं छोटी बात नहीं है। हरियाणा के लोग इतने जोशीले हैं, यो भाई 5 साल 10 साल यहाँ राज सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, शांति से सरकार चलाई आपके लिए, तो मैं तो संतुष्ट हूँ दो बातों से, एक तो लोगों ने शांति से सरकार चलवाई, एक भाई मेरे दिल में ये वो है भगवान को आधे नाजी मान के कि भाई किसी का मेरे हाथ से भला हो गया तो हो गया, हो बुरा किसे भाई का दुश्मन काम नहीं। तो आज ये है स्थिति, आज मैं जाता हूँ गांव में, गांव वाले कहेंगे बिजली नहीं, कहाँ गई भी बिजली, उसका जवाब नहीं मिलता, बुजुर्ग का हमारी पेंशन नहीं, झूठ बोल गया हमने 1,500 से 1,500 करी थी, इनने 1,500 की 1,200 कर दिया, 3 महीने में एक महीने की मिली। तो ऐसा हर वर्ग में मिली है क्या, बताओ ना मिली नहीं। फिर जहाँ जाऊँ जहाँ ओलों का नुकसान है, पानी से नुकसान है, गिरदावरी में गड़बड़, तो ऐसी हालात कर दी इनने कि भाई एक बात है, प्रजातंत्र है, राज तो बन गया, राज तो उसका बनेगा जिसका बहुमत होगा, बीजेपी की बहुमत है, सरकार बन गई, 5 साल के लिए टर्म होती है, वो तो केवेरा पट्टा है, राजनीतियों को सिर्फता लिखता, लेकिन 5 साल की टर्म होती है, साल एक तो निकल गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, राज तो इनका बन गया, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ मांडोठी गाँव में, भाई 36 बिरादरी हमारा साथ दो, एक काम मैं कर दूंगा, जो तो सरकार ने वायदे किए ना वो पूरा करने पे मजबूर कर देंगे। अब बुढ़े पेंशन पहला कोई बुजुर्ग होता पेंशन कड़े मिला करती भाई, खाट पे पहुंच जाती ना, ये खाट समेत बैंक में जाना पड़ेगा, ये स्थिति कर दी। मैं तो एक मोटी सी बात जा रहा हूँ, एक बात कह के जा रहा हूँ भाई, तब मेरे साथ खड़े रहो, एक काम मैं कर दूंगा, सरकार ने टूट लिया मैं चला दूंगा। तो आज बहुत बहुत इनको हार्दिक बधाई। देख भाई मैं तो यहाँ आया था, पता नहीं था रास्ते में मजबूरी हुई, एमपी साहब नहीं आए, तीनों पहलवान हैं, मैं भाई लेके नहीं आया, लेकिन फिर भी 5,100 रुपए तीन होंगे मैं भिजवा दूंगा, मेरे को ले लूंगा, खिलाड़ियों को मिले वो तो सरकार तो बहुत कुछ देगी, और मैं उसके इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, ये मैं अपने तनख्वाह में से दूंगा भाई। इन्हीं शब्दों के साथ सब मेरा आशीर्वाद है इन खिलाड़ियों को भाई, यूं ही तरक्की करो, आगे बढ़ो, और मांडोठी वालों से कहूँ भाई इसे खिलाड़ी पैदा करते रहो, पर अपने बच्चों को ठीक रास्ते पे लाओ,
ठीक रास्ते पर हमें तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरे गांव को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जा रहा हूँ, माफी मांगू कि मैं आगे का कार्यक्रम में बीच में जो कार्यक्रम बना था और एम पी साहब की तरफ से भी हाजिरी लगा लियो, राजेंद्र जून की तरफ से भी हाजिरी लगा लियो, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम को